करनाल के विकास सदन के सभागार में मंगलवार को नगर निगम हाउस की बैठक में वित्तीय वर्ष 2021 से 22 का प्रस्तावित बजट मौजूदा पार्षदों की सहमति से पास हो गया है। बैठक की अध्यक्षता महापौर रेणुबाला गुप्ता ने की, जबकि नगर निगम आयुक्त विक्रम भी मौजूद रहे। संयुक्त आयुक्त गगनदीप सिंह ने प्रस्तावित बजट की कार्यवाही प्रारंभ की। उन्होंने बताया कि बजट विकासोन्मुखी है, क्योंकि इसमें गत वर्ष की अपेक्षा ज्यादा धनराशि रखी गई है। नए वित्तीय वर्ष में 155 करोड़ 13 लाख 68 हजार रुपए की प्रस्तावित आय रहेगी, जबकि 174 करोड़ 46 लाख 49 हजार 83 रुपए के व्यय का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष में नगर निगम को बीती जनवरी के अंत तक 46 करोड़ 33 लाख 61 हजार रुपए की आय हुई। इसके बाद फरवरी और मार्च दो महीनों में सभी स्रोतों से निगम की आय बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स से करीब 50 करोड़ रुपए एकत्रित होंगे, जबकि विकास शुल्क से 3 करोड़ 50 लाख रुपए आएंगे। इसी प्रकार से स्टैंप ड्यूटी से 20 करोड़, शॉप रेंट यानी किराए से 2 करोड़ 44 लाख 40 हजार रुपए आएंगे। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र शुल्क आरटीआई व मूल्य निर्धारण जैसी फुटकर आय से 1 करोड़ 25 लाख तथा बिल्डिंग फीस, स्लॉटरिंग, मृत पशुओं का ठेका, भूमि की बिक्री, रोड कट चार्जिंग, लाइसेंस फीस, दुकानों की सेल, विज्ञापन व लीज मनी जैसे अन्य तरीकों से 77 करोड़ 94 लाख 28 हजार रुपए की आय प्रस्तावित की गई है। उन्होंने बताया कि नए वित्तीय वर्ष के लिए स्थापना कंटिजेंसी, डेवलपमेंट वर्कर्स व मिलेनियस आइटम्स को मिलाकर 174 करोड़ 46 लाख 49 हजार 83 रुपए व्यय प्रस्तावित किया गया है। बैठक में नगर निगम आयुक्त विक्रम ने बताया कि समाप्त होने जा रहे वित्तीय वर्ष में 20 से 25 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली होने की उम्मीद है, जो नगर निगम बनने के बाद अब तक का सबसे ज्यादा है। इसके लिए उन्होंने शहर के नागरिकों के साथ साथ कर शाखा व निगम कर्मचारियों की सराहना की है। बैठक में निगम आयुक्त ने बताया कि स्मार्ट सिटी की ओर से 25,000 एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी, इसमें सभी वार्ड कवर होंगे। बुधवार 31 मार्च को ही इसका टेंडर खुलने जा रहा है। इसके तहत 16,000 सोडियम व T5 लाइटें बदली जाएंगी तथा 9,000 और लगेंगी। पुरानी लाइटों से बिजली खर्च ज्यादा हो रहा था। बैठकों में निगम आयुक्त ने पार्षदों को एक बार फिर भरोसा दिलाया कि जिस वार्ड में यदि कोई विकास कार्य अधूरा है, उसे हर हाल में पूरा कराया जाए। वहीं महापौर रेणुबाला गुप्ता ने बताया कि सभी वार्डों में विकास कार्यों के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं रहेगी। कुछ दिन पहले 40 लाख रुपए प्रत्येक वार्ड को दिए गए थे, भविष्य में 1-1 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे। इससे सभी वार्डों में समान विकास होगा। आज हमने 174 करोड़ का बजट हमने पास किया। पिछले साल हमने 155 करोड़ का बजट पास किया था, जिसमें हमने एमसी फंड से लगभग 2 करोड़ के काम करवाए थे। अब की बार हमने ये 36 करोड़ रुपए के हमने डेवलपमेंट कर रखे हैं। इसके अलावा ये बजट आज हमने अटेंटेटिव पास करवाया, जिसमें हम और भी कोई डेवलपमेंट वर्क करवाना चाहेगा। 36 करोड़ हमारे एमसी फंड के हैं। इसके अलावा जो सरकार से हमारी ग्रांट आती है, उसमें भी हमारे डेवलपमेंट के वर्क्स करवाए जाते हैं। मुझे लगता है कि अब की बार का बजट बहुत बड़ा बजट हमने पास किया है, जिसमें हम डेवलपमेंट वर्क ज़्यादा से ज़्यादा शहर में करवा पाएंगे। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी एक हमें संदेश आया है कि कहीं ना कहीं हमें उससे ज़्यादा ज़रूरत हुई तो उससे ज़्यादा भी हम काम करवा पाएंगे। इसमें बजट में जो भी प्रोविजन होगा उसे ऐड किया जाएगा। मैडम, इस बार ऐसा लगा कि मीडिया को दूर रखा गया है, उसके लिए मात्र एक फॉर्मेलिटी की गई है, एलसीडी लगा के वहाँ सिर्फ 2-3 आदमी बैठ सकते थे, मीडिया कर्मियों की संख्या ज्यादा, ऐसी व्यवस्था से क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अभी मैं कमिश्नर साहब से इस बारे में बात कर लेती हूँ। बिल्कुल, उन्होंने पूरी तरह से एक बताया था कि मीडिया रूम बनाएंगे, जिसमें सारी जानकारी आप तक उपलब्ध करवाएंगे। वैसे एक बहुत छोटी मीटिंग बजट की मीटिंग थी, इसमें कुछ पार्षदों ने अपने शहर के लिए चर्चा जरूर की है, जिस चर्चा में उन्होंने सकारात्मक सोच रखते हुए कि किस तरह से अपने शहर के में और ज़्यादा, जैसे हमारे जो सड़कें, यदि कोई रोड कट लगा जाता है और जिसमें वो पेनल्टी नहीं देता है, तो उसमें जानकारी और उसमें जिम्मेदार जेई और एससी को माना जाएगा, वो सारी जानकारियाँ इसमें लेगा। इस तरह की सफाई के संबंधित में हमारे पार्षदों ने चर्चा की है, जिसमें शहर में वार्ड वाइज बीट बनाकर
हर पार्षद को उस हिसाब से सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए की है, और भी पार्षदों ने लाइटों की समस्या को रखा, ये सारी चर्चाएं की हैं। बजट की मीटिंग में एक फॉर्मल मीटिंग होती है जिसमें बजट के प्रति मैं ये कहूँगी सबने एक सकारात्मक सोच रखी है, क्योंकि अब की बार हम पिछली बार से ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क करवा पाएंगे। एक अच्छा बजट हमने पेश किया है। 13 सेक्टर में फुटपाथ बनाया जा रहा है, फुटपाथ में जो है पेड़ लगे हुए हैं, खंभे लगे हुए हैं, कई जगह ऐसी है जहाँ से एक आदमी के निकलने का रास्ता नहीं है, वो रोड है, उस समस्या को किस तरह से निपटेंगे समस्या को? 13 सेक्टर की मेन रोड की बात कर रहे हैं, वो काम स्मार्ट सिटी के अंडर हो रहा है, उसकी ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है। जो हमारी तरफ से, जो नगर निगम की तरफ से काम करवाए जाते हैं, उसमें पार्षदों की और पूरी तरह से इस बारे में सहभागिता होती है, अपने हमें जानकारी दी है, अब हम स्मार्ट सिटी से इसके बारे में जरूर अब की बार 174 करोड़ का बजट हमने पास। उसमें आय का कितना कहा गया, आय कितनी संभावित रखी इसमें? इसमें आय अब की बार हमने लगभग 50 करोड़ तो हमारी आय है जो कि हमने संभावित रखी है, 65 करोड़ हमारे पास बैलेंस है। और इसके अलावा हमारे पास के बारे में मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी, ये स्मार्ट सिटी ने एक पार्किंग बनाई है जिस पार्किंग का इस तरह से एक टेंडर किया है लोगों को सुविधा देने के लिए। जब मैंने स्मार्ट सिटी के सीईओ निशांत यादव जी से इसके बारे में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि अभी उसमें बहुत सारे और प्रावधान होने बाकी हैं, उसमें उसने 6 अपने सिक्योरिटी गार्ड लगाने हैं जिनको वो गाड़ियों को पार्क करने की सुविधा देगा, हर तरह से ध्यान रखेगा गाड़ियों का। इसके अलावा वो 4 ई रिक्शा चलाएगा जो कि उनको वेन्यू तक जो भी कस्टमर वहाँ पर पार्किंग करने के लिए आएगा उसको मार्केट के वेन्यू तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाएगा और उसको ये सारी सेवाएं भी। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।